हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोम 4 आई थिंक ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट जॉन किट्स हैं, इसके हम पोएटिक डिवाइसेस कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इमेजरी से। स्टूडेंट, इमेजरी वो पोएटिक डिवाइस होती है, उन लाइन में इमेजरी पोएटिक डिवाइस होती है जिनको पढ़कर हम इमेजरी फील करते हैं, अर्थात जैसे किसी की साउंड, साइट, स्मेल या टेस्ट या टच, हम लाइन को पढ़ के हमें फील होता है कि हाँ हमने इसको टच कर लिया या हमने स्मेल ग्रहण कर ली, हमें इमेजिन होता है, तो वहाँ पोएटिक डिवाइस इमेजरी होती है। फॉर द एग्जाम्पल, लाइन नंबर 7 में हम देख सकते हैं, आ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इन लाइन में ऐसा पढ़ के फील हो रहा है ना कि जैसे फ्लावर की एक माला ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, तो ऐसा ही लाइन नंबर 9 में हम देख सकते हैं, ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। एंड लास्ट लाइन नंबर 14, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। एंड नेक्स्ट लाइन नंबर 15, डेफोडाइल्स With the green world they live। नेक्स्ट लाइन नंबर इसके बाद ही 16 है, जो स्टार्ट हो रही है, क्लियर रील्स दैट फॉर themselves a cooling cover make against the hot season। नेक्स्ट लाइन नंबर 17, the mid forest break reach with the sprinkling of fair musk rose bloom। एंड लास्ट लाइन नंबर 21, an endless fountain of immortal drink pouring unto us From the heavens brink। तो स्टूडेंट, ऑल दीज लाइन इन विच वी फील इमेजरी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एंथेसिस पोएटिक डिवाइस है, जब एक ही लाइन में दो अपोजिट थॉट्स या आइडियाज एक साथ आ जाते हैं, वहाँ पोएटिक डिवाइस एंथेसिस होती है। जैसा कि लाइन नंबर 14 में हम देख सकते हैं, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। अब यहाँ दो अपोजिट ओल्ड भी दिया हुआ है और यंग भी, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पोएटिक डिवाइस एंथेसिस का यूज है। नेक्स्ट थर्ड पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस में जब एक ही लाइन में दो या दो से अधिक वर्ड्स का बिगनिंग लेटर कॉन्सोनेंट होता है, वहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, लाइन नंबर 4 में हम देख सकते हैं, आ स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो यहाँ स्लीप और स्वीट एस एस दो कॉन्सोनेंट एक ही लाइन में यूज किए गए हैं, उनका बिगनिंग लेटर एस है, इसीलिए पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन नंबर 7 में हम देख सकते हैं, आ फ्लावरी ब्रांड टू बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ पर स्टूडेंट बैंड और बाइंड बी और बी कॉन्सोनेंट यूज होने की वजह से पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन नंबर 8 में नॉबल नेचर एन एन की वजह से पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन नंबर 12 में सेम शेप एस एस में एलिट्रेशन है। नेक्स्ट लाइन नंबर 14, स्प्राउटिंग आ शेडी बून फॉर सिंपल शेप एस एस एक ही लाइन में अधिक बार यूज हुआ है, वर्ड का बिगनिंग लेटर एस है और कॉन्सोनेंट है, इसीलिए पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। एंड नेक्स्ट लाइन नंबर 16 में, क्लियर रील्स दैट फॉर देमसेल्फ आ कूलिंग कवर मेक। स्टूडेंट यहाँ दो बार एलिट्रेशन यूज है, जैसे कि क्लियर, कूलिंग और कवर्ड में सी सी का यूज है और नेक्स्ट दैट और देमसेल्फ में टी एच और टी एच है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट मेटाफर है। कंपैरिजन होता है लाइन में, मेटाफर पोएटिक डिवाइस जहाँ होती है कंपैरिजन होता है, बट कंपैरेटिव वर्ड लाइक या इसका यूज नहीं किया जाता। फॉर द एग्जांपल, लाइन नंबर 4 में हम देख सकते हैं, आ शीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। यहाँ शीप स्टूडेंट एवरी ह्यूमन बींग के लिए आया है, केवल शीप का ही यूज इस लाइन में शीप के लिए नहीं किया गया, बट शीप के लिए एवरी ह्यूमन का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पोएटिक डिवाइस मेटाफर है। नेक्स्ट लाइन नंबर 23 और 24, एन एंडलेस फाउंटेन टू इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अप टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक में भी पोएटिक डिवाइस मेटाफर है।
नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस जो स्टूडेंट ऑक्सीमोरन है, इसमें दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं, जैसा कि पोम में लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं माइटी और डेड। माइटी मतलब विशाल, बहुत जीवित रहने वाला, अजय अमर कहते हैं जिसे, और एक ही साथ यूज हुआ है डेड मरा हुआ, तो इसीलिए यहाँ पोइटिक डिवाइस ऑक्सीमोरन है। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।